मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें दोस्तों, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्मी स्पेशल बेंच और आज हमारा एक नया टॉपिक है परसेंटेज और आज ये हमारी क्लास नंबर 33 है। दोस्तों इससे पहली सभी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगी, जो कि आर्मी स्पेशल बेंच के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों हमारे अन्य बेंच की भी प्लेलिस्ट आपको वहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास शुरू करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। सब्र करो मेहनत रंग लाएगी, कोशिश भी ना करो तो क्या किस्मत काम आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत और आज हमारी इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं परसेंटेज। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों प्रति का मतलब क्या होता है। प्रति का मतलब है बेसिकली एक। प्रति का मतलब क्या है दोस्तों? एक है। एक। और दोस्तों सत्य का मतलब क्या है? सो। जो सत्य है उसका मतलब क्या है दोस्तों? सो। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? प्रतिशत का मतलब क्या है साहब? यानी कि 1/100 इसका अर्थ हुआ। और दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं प्रतिशत का चिन्ह क्या है, ऐसी तिरछी लाइन पे हम ये इस तरीके से पॉइंट दिखाते हैं। और इस प्रतिशत का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक। इस पे दोस्तों 100 पे, यानी कि दोस्तों 100 पे एक, यानी कि 1/100 इसको 100 के रूप में हम लिख सकते हैं। अर्थात दोस्तों अगर कहीं पे 1% है तो उसका क्या मतलब हुआ कि 1% को अगर हम भिन्न में बदलना चाहते हैं, क्या बदलना चाहते हैं दोस्तों? अगर हम प्रतिशत को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहते हैं तो हम कैसे बदलेंगे? तो जैसे दोस्तों हमने इसकी परिभाषा के बारे में बात की कि दोस्तों प्रतिशत का जो मतलब है वो क्या है? 1/100। दोस्तों जैसे एक है और हमें समझ में आया कि प्रतिशत क्या है, बेसिकली 1/100 होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 1/100 लिखें या उसी नंबर के बटे में 100 लिख दें, जैसे कि 1/1 भी करेंगे तो क्या होगा? 1/100। तो सीधे सीधे हम क्या लिख सकते थे? 1/100 लिख सकते। ठीक है दोस्तों, देखिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2% को बदलना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं सीधे सीधे 2/100, या फिर दोस्तों हम ऐसे भी लिखते कि 2×1/100, तब भी क्या बैठ रहेगा? 2 × 2 बटे कितना दोस्तों? 100। और अगर जैसे कि हम जानते हैं कि ऊपर नीचे अगर किसी एक ही संख्या से कट जा रही है चीज, जैसे 2 से कट जा रही है तो 2×2, और 2 से अगर हमने 100 काट दिया दोस्तों कितना? 1/50। ऐसे दोस्तों हम चाहे जितने भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए कोई हमें कह दे कि 4% को बदलिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 4/100 करेंगे, मतलब प्रतिशत को हम बटे में क्या लिख देंगे दोस्तों? 100 लिख देंगे। यही करना है, हमने 4 से काट दिया, 4×4, 4 से इसको काट दिया, कितनी बार गया दोस्तों? 4 से 4 कटा, 1 बार कटा, और 100 काट दे 25 बार, तो दोस्तों ये कितना है? 1/25। तो दोस्तों इसी तरीके से हम कोई भी संख्या में दिए, जैसे 8% दे दें तो 8 को भी बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों? हम 100 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है कि हम 8 यहाँ पर लिख सकते हैं, साथ में 1/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या सीधे सीधे हम प्रतिशत को क्या लिख दें? बटे में 100 लिख दें। और इस तरीके से देखिए, जैसे कि ये दोनों 4 से कट जाए, 4 से काट दीजिए, 4×2 8, 4 से काट दीजिए, कितना है दोस्तों? 25। तो इस तरीके से ये कितना हुआ दोस्तों? 2/25 हो गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो दोस्तों किसी भी प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो बेसिकली प्रतिशत के साइन को हमें केवल केवल क्या लिखना है? या तो 1/100 लिख देना है गुणा में, या फिर बटे में क्या लगा लेना है दोस्तों? 100 लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, आपसे कोई प्रश्न ही कर ले दोस्तों कि 16% को भिन्न में बदले, को भिन्न में बदले। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें समझ में आ रही है चीजें, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 16, और साथ में क्या लगा हुआ है? प्रतिशत। तो देखिए दोनों ही बात है, परसेंटेज को सीधे सीधे हम 100 लिखते, या फिर हम ऐसे लिखते दोस्तों कि 16×1/100, तब भी यही बात हमें समझ आती कि 16×1/16 बटे में क्या दोस्तों? 100। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं दोनों 4 से कट जाएंगे, 16 को अगर मैंने 4 से काट दिया, 4 है 16 को, 4 अगर इस समय 100 को काट दूं 4 से, तो दोस्तों कितना आएगा? 25 आएगा, 25×100 होता है। तो इस तरीके से भिन्न में क्या होगा दोस्तों? 4/25। और भी कोई सवाल हो सकता है दोस्तों, मान लीजिए कोई कह दे कि 20% को भिन्न में बदलिए, तो किस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों उसको आपको? तो जैसे कि आप समझ रहे हैं दोस्तों कि 20 है और प्रतिशत को हम बटे में क्या लिखते हैं दोस्तों? 100।
और जैसे कि हम समझते हैं कि दोनों ऊपर नीचे अगर किसी एक संख्या से कटे तो काट देंगे दोस्तों, तो हम 20 से काट देते हैं, तो 20 से कम 20 और 20 पंजे दोस्तों कितना 100। तो इस तरीके से इसका मान कितना है दोस्तों, 1/5। उम्मीद है आपको ये बेहतर ढंग से चीज़ समझ आ रही होगी। आगे तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि किसी भी प्रतिशत में बदलने की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, दिन में बदलने प्रतिशत को किस में दोस्तों, दिन में प्रतिशत को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों भिन्न में बदलने। तो दोस्तों जैसा कि मैं अगर और एग्जांपल लिखूं कि 25% को भिन्न में बदलें, ये सवाल है अगर हमारे पास, इसको किस में बदलना हो दोस्तों, भिन्न में, तो हम कैसे बदल सकते हैं? ये 25 है दोस्तों, प्रतिशत को हमने क्या लिखा, भाग 100 लिखा, और जैसे कि हम जानते हैं 25 से कम 25 और 25 के 100, तो इस तरीके से दोस्तों ये कितना हुआ है, 1/4। यहाँ पे आपके जहन में और भी सवाल उठते होंगे दोस्तों, जैसे कि पहला सवाल ये है कि क्या हम प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे, क्या हम भिन्न से चीज़ों को परसेंटेज में बदलेंगे, भिन्न से किसमें बदलना दोस्तों, प्रतिशत में बदलना। क्योंकि दोस्तों कन्वर्जन हमें कहीं ना कहीं समझ में आता है कि अगर हमने ऐसा किया है तो उल्टा भी करना चाहिए, अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो कहीं ना कहीं ऊपर भिन्न को प्रतिशत में भी बदलना आना चाहिए। उससे पहले दोस्तों जैसे एक सवाल और ले लेता हूँ मैं इसी का, कि अगर कोई जैसे कह दे कि 64% को इसमें बदले, भिन्न में बदले, तो देखिए दोस्तों अगर ये है ऐसा है तो जैसे कि आप समझ रहे हैं 64/2 में क्या लिखा दोस्तों, 100 लिखा। अब जैसे कि 4 से कट जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 16 बार 16 चौके 64 होते हैं, और 4 से ये कितनी बार कटा है, 25 बार कटा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हुआ कितना, 16/25। इस तरीके से दोस्तों हमने भिन्न बदल दिया। भिन्न क्या है दोस्तों, किसी भी चीज़ का सरलतम रूप है, और प्रतिशत को जैसे इस टॉपिक में हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही समझ लिया है कि जो प्रतिशत है उसे हमें क्या लिखना है, 1/100 लिखना है, या फिर दोस्तों ऐसा कह लीजिए कि ए परसेंटेज अगर है तो जो भी है वहाँ पर संख्या उसके बटे में हमें क्या लिख लेना है, 100 लिखना है। तो ये बेसिक बातें हमने अभी तक बात को समझाई, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात है कि हम भिन्न में दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट वाली संख्या भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लेना चाहें 0.4 ये प्रतिशत लेना चाहें तो भिन्न में बदलें, तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ी डिफरेंस की बात नहीं है, जैसे कि आपको पता है 0.04 यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है, और प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/100। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही है कि हमने क्या किया है दोस्तों, देखिए 0.04, अच्छा ये 0 नहीं लगाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे यहाँ से भी हटा सकते हैं, आप जानते हैं दोस्तों कि पॉइंट से पहले इस 0 का कोई मतलब नहीं बैठता, ठीक है दोस्तों, इसको लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.04 और परसेंटेज को लिखा दोस्तों हमने 100, और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे दो अंकों के पहले जो पॉइंट है इसको हटाना चाहें तो नीचे 2 0 और आ जाएंगे, अर्थात दोस्तों 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऊपर क्या है, 4 है, और नीचे 100 × 100 इस तरीके से है, और अगर मैं इसको सरल करना चाहता हूँ जैसे मैं 4 × 4 करूँ दोस्तों, 4 से इसको काट दूँ 25 चौके 100, तो इस तरीके से दोस्तों ऊपर 1 और 25 × 100 नीचे कितना हुआ, 25। तो इस तरीके से ये है दोस्तों, इसको हमने किसमें बदला है, भिन्न में बदला है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि हम बात कर रहे थे अभी प्रतिशत से किसमें बदलने की दोस्तों, भिन्न, और सवाल ये उठा है कि क्या हम किसी भिन्न को प्रतिशत में नहीं बदल सकते, जैसे अगर किसी ने हमें भिन्न दे दी दोस्तों 1/2 को, किसमें बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए दोस्तों हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको बदलें, आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम कह रहे हैं कि भिन्न से प्रतिशत में हम कैसे बदलें, हम यहाँ पे बात करें 1/2 को प्रतिशत में हम कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या में ऊपर गुणा करें तो हमें नीचे भी लेना पड़ेगा, ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, ताकि अगर हम इसको कैंसिल करें तो वापस वही मान प्राप्त हो, यानी कि दोस्तों अगर हम अपनी तरफ से कोई संख्या से गुणा भाग करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं ताकि किसी चीज़ के मान पर कोई फर्क ना पड़े। अगर हम यहाँ पे 100 से गुणा कर दें दोस्तों तो देखिए आप सोचिए कि 2 से भाग कर लिए कितना हो जाएगा, 50, इसके मान में परिवर्तन भी जाएगा दोस्तों, इसलिए कहीं ना कहीं हम बटे में क्या भी रखेंगे, 100 भी रखेंगे। और जैसे कि दोस्तों हमने 100 समझा है कि इस प्रतिशत के निशान के लिए हम बटे का 100 या सीधे सीधे बटे में 100 लिख सकते हैं या 1/100। तो समझिए दोस्तों बात वैसी ही है, वैसे आपने समझा ही है, कभी भी आपने समझा होगा कि किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए
क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा। और हम यही समझना चाहते हैं दोस्तों, ऐसा हम क्यों करते हैं? तो हम ये समझ रहे हैं दोस्तों कि अगर हम दरअसल हम क्या कर रहे हैं, हम 100 से गुणा भी कर रहे हैं और 100 से भाग भी कर रहे हैं। और अगली लाइन में दोस्तों हम ये वाली लाइन दिखाते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 100। तो देखिए दोस्तों, आखिर हम ऐसा करते क्यों? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा क्यों करते हैं, हम यही कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। वैसे तो हम इसे बात को डायरेक्ट अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जैसे कहा कि दरअसल हम 100 से गुणा भी करते हैं, 100 से भाग भी, ताकि अगर कैंसिल करें तो दोस्तों कट के सेम टू सेम नहीं बचे। तो दरअसल दोस्तों अगली लाइन में जैसे कि हम ये वाली लाइन नहीं दिखाते, 1/2 गुणा दोस्तों कितना है, देखो 100 तो हमने दिखाया, लेकिन जो ये बटे वाला 100 है दोस्तों, इसी को हमने प्रतिशत के चिन्ह के रूप में यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि यही चिन्ह क्या है दोस्तों, दरअसल 1/100 अर्थात या बटे में 100 है। तो बटे, अगर हम परसेंटेज को बटे में 100 लिख सकते हैं, तो बटे के 100 को दोस्तों इस चिन्ह के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों जब भी हम प्रतिशत में बदलते हैं, तो हम केवल 100 से गुणा नहीं करते दोस्तों, 100 के साथ में ये प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं, ताकि ये परसेंटेज का चिन्ह जो बटे का 100 है उसका काम करे दोस्तों। तो आप समझ गए हैं आप दोस्तों कि दरअसल किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुणा और ये परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 200 अगर आपने काट दिया तो दोस्तों कितना है, 50। और यहाँ पे इस तरीके से कितना आ गया है, 50%। समझ रहे हैं दोस्तों, ये 50% हुआ। और देख सकते हैं दोस्तों, जैसे 1/4 को किसमें बदलेंगे हम, प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है दोस्तों, किसमें बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो जैसे कि हम समझे हैं दोस्तों कि करना क्या है, केवल 100 से गुणा करनी है, और केवल 100 से नहीं दोस्तों परसेंटेज का चिन्ह लगाना है। तो 1/4 और गुणा कितना दोस्तों, 100, और ये लगाया हमने प्रतिशत का चिन्ह, और ये 4 से काट दीजिए दोस्तों, तो कितना हुआ ये, 25%। तो दोस्तों ये कितना हो रहा है, 25%। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ रही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर हमें किसी भी भिन्न को, जैसे कि अगर हम बात करें 3/4 की, 3/4 को किसमें बदलेंगे दोस्तों, प्रतिशत में बदलेंगे। तो हम किस तरीके से बदल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने समझा कि हमें केवल इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, और हम इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 प्रतिशत कर दिए। और जैसे कि आप जानते हैं 4 से हमने इसको काट दिया, तो कितनी बार कटा, 25 बार, और 25 के अब इस 3 की क्या कर देते हैं, गुणा। तो दोस्तों कितना हुआ, 25 की 75। और देख सकते हैं हम दोस्तों इसी तरीके से, मान लीजिए जैसे कि क्या है, 7/4 है दोस्तों, और इसको हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वही 100 से गुणा और परसेंटेज का चिन्ह, और 4 से पहले की ही तरह 25 चौके 100, 25 बार कटा दोस्तों, 25 सप्ते कितने होते हैं बताइए दोस्तों, 25 सप्ते कितने होते हैं, 175 होते हैं। तो ये हुआ दोस्तों कितना, 175। तो दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या समझना है, ये केवल और केवल क्या करना है, 100 से गुणा कर देंगे, इस तरीके से हमसे बदल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आगे और किसी प्रकार के सवाल की बात करें, तो जैसे अक्सर हमारे से कैसे सवाल पूछा जाता है, कि जैसे किसी ने पूछ लिया कि 20 का 10% होता है, ये कितना, 20 का 10% बताएं, ऐसा सवाल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको डिटेल में करें, समझते हैं कि दोस्तों 20 का को हम क्या लिखें, गुणा, और ये 10, और बटे में दोस्तों कितना, 100। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए, 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कटी, 2 एकम कितना दोस्तों, 2, तो इसका आंसर कितना है दोस्तों, 2। इसके अलावा दोस्तों हम इसे कैसे कर सकते हैं, समझिए कि अगर हम इतना भी नहीं करना चाहते और हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं कि 20 है, 20 का हमें क्या बताना है दोस्तों, 10%। तो 20 का हम क्या बताना चाहते हैं दोस्तों, 10%। तो का मतलब तो गुणा ही है। तो दोस्तों हमें समझ में आ रहा है कि जो प्रतिशत है वो बटे में 2 जीरो लेगा, और उससे 2 जीरो हमने परसेंटेज से काट दी। तो इस तरीके से दोस्तों 2 एकम कितना है, 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। ऐसा कोई भी सवाल दोस्तों, मान लीजिए कोई कहे कि 30 का कितना दोस्तों, 40% क्या होगा, तो हमें क्या समझ में आएगा दोस्तों, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और बचेगा कितना दोस्तों, 3 चौक 12। देखिए दोस्तों आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम इसे ऐसे करते कि 30 और का कितना दोस्तों, गुणा, और ये देखिए 40 और परसेंटेज के लिए बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो इस तरीके से कितना है दोस्तों, 3 चौक 12 आ गए। समझ रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से, या तो हम परसेंटेज से 2 जीरो ही काट लें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें पता लग गया है कि प्रतिशत क्या है, बटे में 100 यानी कि 2 जीरो आती है, और इस तरीके से 3 चौक 12 कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं,
तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, समझते हैं अपने सवाल। तो दोस्तों ये क्या है सवाल, 30 का कितना 20%, 30 का 20% का मान निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों? तो देखिए जैसे कि तो हम डिटेल करें, ये 30 लिखें, का क्या करें दोस्तों, गुणा करें, 20 है और प्रतिशत के लिए क्या लगाएं दोस्तों, बटे में 100। ये 20 है दोस्तों, कट जाएगी, इस तरीके से काट के दिखाएं और फाइनली 3×6 कर। ये दोस्तों अभी यही समझ में आया था कि परसेंटेज से ये 20 तो जाएंगे ही जाएंगे और का मतलब गुणा ही है, तो 3×6, तो इस तरीके से भी कर सकते, समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद आपको बात समझ में आ रही है कि परसेंटेज से चाहे तो हम ये 20 ही काट लें और दोस्तों 6 कम कितना है 6। ये डिटेल भी करते दोस्तों, देखिए सेम ही आता 60 कितना दोस्तों 10 और परसेंटेज भी 100। दोस्तों 20 का कैंसिल करते हैं और 6×6 प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से इसको देखिए दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं कि परसेंटेज से 20 काट सकते हैं और सीधे सीधे 7×21 कर सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए कि परसेंटेज से अगर हम ये 20 काट लें, अब गुणा करते 12×96 होगा दोस्तों, विस्तार से करते तो दोस्तों सेम ही आता कि 80 करते का गुणा 120 और परसेंटेज के लिए बटे में 100 और ये 20 गई और 12×96 करते दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे समझिए, परसेंटेज से ये जीरो काट दीजिए, 9×2 कितना आ गया दोस्तों आपका 18 आ गया, तो आपका आंसर फाइनल कितना आया 18। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही है। जैसे भी अगर आपको कोई दिक्कत है या समस्या है दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितनी वीडियो समझ में आ रही है, कितनी नहीं आ रही है। कोई भी परेशानी है तो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों, मतलब कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब तक की समझी हुई बातों को है ना, इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल हमने क्या लिया है, हमने पहला सवाल लिया है कि 0.25% को साधारण भिन्न में बदलें। तो दोस्तों जैसे कि हमने समझा है, ये क्या है दोस्तों 0.25 और इस परसेंटेज के लिए बटे में हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों 100। और जैसे कि ये दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 अंकों के पहले पॉइंट भी है, और अगर हम ये पॉइंट हटाएं दोस्तों तो इसके हटने से, क्योंकि ये 2 अंकों के पहले है तो 20 अर्थात 100 आएगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगर हम इसको काटना चाहिए 25 है तो 25×25 और 25×6 कितना दोस्तों, तो 25×7 25×6 100। इस तरीके से दोस्तों 1 और बटे में कितना 4×100 कितना आया दोस्तों 400। तो फाइनली इस सवाल का आंसर कितना आया दोस्तों 1/400। इसी तरीके से दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, क्या कहा है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलें। और जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए केवल और केवल क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और ये निशान लगा लेते हैं परसेंटेज। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, इस 5 से हमने 100 को काट दिया, बताइए दोस्तों कितना होता है 20×5 तो ये कितनी बार कटा दोस्तों 20 हुआ, और 20×2 कितना हुआ दोस्तों 40। इस तरीके से ये कितना हुआ दोस्तों 40%। उम्मीद है आपको ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई है दोस्तों। चलेंगे अगले सवाल। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा संख्याओं में बदलाव लिख गया है दोस्तों, हमने इस बार दशमलवों की संख्या उठाई है और उनको किसमें कहा है कि प्रतिशत में बदलने की बात की। तो देखिए दोस्तों हम दशमलवों की संख्याओं को किस तरीके से परसेंटेज में बदलते हैं समझते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका पॉइंट हटा देंगे, और जैसे कि हम जानते हैं कि दशमलव की संख्या में जितने अंकों के पहले क्या है पॉइंट लगा हुआ है 1, 2, 3 उतनी 0 आएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे हमने इसके पॉइंट हटाए तो ये बैठ रही है 125/1000। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना है, हमें 100 से गुणा करनी है केवल और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देना है। तो बताइए दोस्तों ये 20 से 20 गई, अब बताइए क्या बचा दोस्तों 125 और बटे दोस्तों यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 1×125 ही होगा दोस्तों प्रतिशत। अब बताइए दोस्तों जैसे कि हमने समझा कि अगर 3 पॉइंट है तो 3 0 आई, तो अगर दोस्तों नीचे 1 0 बची हुई है तो क्या उसके स्थान पर 1 अंक के पहले हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, 12.5% इसको लिख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, और यही सवाल का क्या होगा जवाब। तो इसी बात को यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे क्या है 0.04 को प्रतिशत में बदलिए। तो दोस्तों 0.04, तो सबसे पहले हम ये पॉइंट हटाएंगे और जैसे कि आप जानते हैं इसके स्थान पर क्योंकि 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा था इसलिए 20 आए दोस्तों अर्थात 100 आए, और इस 0 का कोई महत्व नहीं बचा है दोस्तों क्योंकि ये अंक से शुरू में लगी हुई है, ये 0 4 ही है मतलब, तो 4 ही पढ़ा जाएगा। और जैसे कि हमें जानते हैं दोस्तों कि हमें बदलना है प्रतिशत में और जिसके लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों ये देखिए 100 से 100 कट गया है और यहाँ पे 4 और ये परसेंटेज बचा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, इसका मान कितना है 4%।
तो देखिए दोस्तों, अगले सवाल समझते हैं। इसी तरीके के सवाल लिए हैं दोस्तों हमने अब तक, ताकि अब तक का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बेहतर ढंग से एकदम से समझ में आए दोस्तों, ताकि जब हम अगली क्लास में अगले पार्ट में और बेहतर ढंग के सवाल करें तो वो बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ जाए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हमने क्या लिया है कि 4/5 को प्रतिशत में बदलें। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, 4/5 है, और अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो अब तक हमने जैसे समझा है कि हमें क्या करना है दोस्तों, 100 से गुणा करनी है, परसेंटेज का चिल्ला करना है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं 5 से काट दीजिए, देखिए 5 × 2 = 10, 20 बार कटा, और दोस्तों 20 की गुणा 4 में तो कितना हुआ, 80। तो इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर कितना आया, 80%। अब आइए दोस्तों यहाँ, ये 12.5% को इस बार हम किस में बदलना चाहते हैं, भिन्न में। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं ये है 12.5, और इस परसेंटेज के चिन्ह देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला परसेंटेज का जो चिन्ह है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 100 लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर हम अब ये पॉइंट हटाएं दोस्तों यहाँ से, तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। और हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि ये दोनों 25 से कट जाएंगे, तो 25 × 5 = 125, और 25 चौके दोस्तों कितने, 100। और इसी के साथ दोस्तों 5 × 5 और 5 × 2 = 10। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ पे बचा है 4 × 2, अर्थात 4 × 2। इस तरीके से दोस्तों हमने इसको बदला 1/8। तो